हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अवर चैनल के एन अकेडमी। और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं लेटेस्ट एंड मल्टीपल हायरिंग अपॉर्चुनिटीज़ के बारे में, जो कि फ्रेशर्स के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहली हायरिंग, विच इज फ्रॉम सिस्को। सो गाइस, सिस्को की तरफ से जो आपके नॉन टेक्निकल ग्रेजुएट हैं उनके लिए मल्टीपल जॉब रोल के लिए ओपनिंग है। तो गाइस, यहाँ पे आप देख सकते हैं मल्टीपल जॉब रोल आपके होने वाले हैं, काफ़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी है। जो भी स्टूडेंट्स इस चैनल पर हैं जो आपके नॉन टेक्निकल ग्रेजुएट हैं, वो इसमें अप्लाई जरूर करना, इन सारी अपॉर्चुनिटीज़ को मिस मत करना, क्योंकि सिस्को काफ़ी अच्छी कंपनी है एंड सिस्को की तरफ से नॉन टेक्निकल ग्रेजुएट यहाँ पे फ़ायदा उठा सकते हैं। तो इसके बारे में हम डिस्कस कर लेते हैं वन बाय वन, क्या क्या क्राइटेरिया है, कौन कौन से आपके जॉब रोल होने वाले हैं। सो बेसिकली नॉन टेक्निकल ग्रेजुएट अप्रेंटिस आपका इंडिया की आपकी डिफरेंट जॉब लोकेशन, जैसे कि बेंगलोर आपका मेन जॉब लोकेशन होगा, एंड एरिया ऑफ इंटरेस्ट आपका क्या होने वाला है, बेसिकली एडमिनिस्ट्रेटिव टाइप के आपके जॉब होने वाले हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव एंड बिजनेस सपोर्ट। सो काफ़ी स्टूडेंट्स होते हैं जो एज अ एडमिनिस्ट्रेटिव की फील्ड में जाना चाहते हैं, नॉन टेक्निकल ग्रेजुएट होते हैं, वो इसमें अप्लाई कर सकते हैं। सो बेसिकली आपके यहाँ पे कौन कौन से जॉब रोल होंगे, एक तो आपका फैसिलिटीज असिस्टेंट एज अ ट्रेनी आप काम करने वाले हैं, सेकेंड आपका होगा स्टाफिंग रिक्रूटर एज अ ट्रेनी काम करने वाले हैं, बेनिफिट एनालिस्ट, सेल्स ऑपरेशन एनालिस्ट, प्रोजेक्ट कोऑर्डिनेटर एंड अदर आपका फाइनेंस एनालिस्ट एंड पीपल सेड सर्विस। ओके, तो इस तरीके से आपके डिफरेंट जॉब रोल हैं, 1, 2, 3, 4, 5 लाइक 5+ आपके यहाँ पे जॉब रोल होने वाले हैं। तो इनके बारे में हम ब्रीफ में डिस्कस करते हैं कि क्या क्या होने वाले हैं। फैसिलिटी असिस्टेंट में आप क्या करने वाले हैं, लाइक आपका यहाँ पे क्या स्किल्स आपके पास होना चाहिए। तो बेसिक जो यहाँ पे मेन स्किल्स है लाइक क्लाइंट रिलेशनशिप स्किल्स, ट्रेनिंग और वेरियस एडमिनिस्ट्रेटिव टास्क, वेज एस्यूरेंस एंड कोऑर्डिनेशन विद एम्प्लॉयज, मेंटेनेंस ऑफ द रिसेप्शन एरिया, ट्रेनिंग ऑफ क्रिएशन वर्क ऑर्डर्स, लाइक इस तरीके से जो फैसिलिटीज असिस्टेंट होते हैं क्या क्या फैसिलिटीज होना चाहिए, वो इसमें सारी चीज़ें आ जाती हैं आपका फैसिलिटी असिस्टेंट में। तो इसमें आप अप्लाई कर सकते हैं। स्टाफिंग रिक्रूटर में क्या है कि डिलीवरिंग एक्सेप्शनल कस्टमर सर्विस स्टैंडर्ड टू बोथ इंटरनल एंड एक्सटर्नल कैंडिडेट, बिल्डिंग एंड मेंटेनिंग टैलेंट पाइपलाइंस विदइन द लाइन ऑफ द बिजनेस थ्रू टारगेटेड। सो बेसिकली आपके जो नॉन टेक्निकल ग्रेजुएट होते हैं जिनको उनके बारे में आइडिया होता है लाइक स्टाफिंग रिक्रूटर किस तरीके से काम करते हैं, बेनिफिट एनालिस्ट में आपका क्या काम होने वाला है, रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज यहाँ पे आप वन बाई वन पढ़ सकते हैं, सेल्स ऑपरेशन एनालिस्ट में आपका क्या काम होने वाला है लाइक असिस्टेंट डेटा एनालिसिस, डेटा क्रंचिंग, सपोर्ट टीम विद प्रोसेस एंड एग्जीक्यूशन एंड वायर एक्टिविटीज आपका सेल्स ऑपरेशन एनालिस्ट में काम होने वाला है, प्रोजेक्ट कोऑर्डिनेटर में आपका किस तरीके से काम होगा, फाइनेंस एनालिस्ट में आप किस तरीके से काम करने वाले हैं। तो गाइस, जिस भी जॉब रोल में आप अप्लाई कर रहे हैं तो आप उस वाले जॉब रोल को यहाँ से रीड कर सकते हैं कि आपका क्या काम हुआ, क्या क्या आप यहाँ पे लर्न कर सकते हैं, राइट। सो गाइस, एक काफ़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी है। इसके बारे में बात करें कि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, इसमें कौन अप्लाई कर सकता है। सो गाइस, आपकी जो डिग्री है वो कंप्लीटेड होना चाहिए लाइक बीकॉम, बीबीए, बीएंड, बीबीएम। सो बेसिकली इसमें मेंशन टू है कि आपके जो नॉन टेक्निकल ग्रेजुएट लाइक बीकॉम के स्टूडेंट, बीबीए के स्टूडेंट, बीए के स्टूडेंट को अप्लाई कर सकते हैं। जो आपके वैसे इसमें मेरा मेंशन है कि आप अगर बीएससी के स्टूडेंट्स हैं, फिर बीसीए के स्टूडेंट्स में तब भी इसमें अप्लाई कर देना, क्योंकि वो भी नॉन टेक्निकल में कंसिडर किए जाते हैं, तो आपके यहाँ पे उसमें भी चांसेस बन सकते हैं। ऐसा नहीं कि आपको शॉर्टलिस्ट नहीं होंगे, बट अगर आप नॉन टेक्निकल या कोई डिग्री आईटी सेक्टर में नहीं है और बीएससी के स्टूडेंट्स पे बीसीए के स्टूडेंट्स पे हैं, तब भी आप इसमें अप्लाई कर देना गाइस। ओके, इसमें जो क्राइटेरिया है ग्रेजुएटेड इन 2022 एंड 2023, सो इसमें ओनली 2022 एंड 2023 बैच के स्टूडेंट्स अप्लाई कर सकते हैं। मस्ट बी अवेलेबल फॉर अ पीरियड ऑफ 12 मंथ्स स्टार्टिंग सेप्टेम्बर अक्टूबर 23। सो बेसिकली आपकी काफ़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी होने वाली है, इसको अप्लाई जल्दी जल्दी कर सकते हैं क्योंकि जल्दी ही स्टार्ट होने वाली है, काफ़ी अच्छे जॉब रूल्स हैं डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के। नेक्स्ट हायरिंग अपॉर्चुनिटी कैसे आपके होने वाले हैं सिनोप्सिस की तरफ से, दे आर हायरिंग फॉर इंटर्न टेक्निकल इंजीनियरिंग आपके यहाँ पे इंटर्न होने वाली है एंड बेंगलोर आपका इंटर्नशिप का लोकेशन होने वाला है। इसके बारे में हम बात करते हैं कि यहाँ पर रिक्वायरमेंट्स क्या है। सो ड्यूरेशन आपकी जो इंटर्नशिप की होगी, दिस इज 1 ईयर इंटर्नशिप। एजुकेशन रिक्वायरमेंट है कि वी आर लुकिंग फॉर एनसीजी हैविंग नो वर्क एक्सपीरियंस, गुड एकेडमिक रिकॉर्ड्स, बैकग्राउंड बीटेक। सो बेसिकली इसमें जो बीटेक के स्टूडेंट्स वो अप्लाई कर सकते हैं, रिलेवेंट स्किल्स लाइक C++, TCL, पर्ल, शेल स्क्रिप्टिंग, वो लैंग्वेज की आपको नॉलेज होना चाहिए। नॉलेज ऑफ स्क्रिप्टिंग वुड बी एन एडवांटेज, स्ट्रॉन्ग ओवर प्रोग्रामिंग एक्सपीरियंस इज अ प्लस, अंडरस्टैंडिंग ऑफ द यूनिक्स लिनक्स इज अ फंडामेंटल्स। ओके, तो इसमें अगर आपके पास लिनक्स की यूनिक्स की नॉलेज है, कोई प्रोग्रामिंग स्किल्स लाइक C++, शेल स्क्रिप्टिंग और ओओ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की अगर नॉलेज है, तो आपके लिए काफ़ी बेनिफिट होने वाला है। एज अ टेक्निकल इंजीनियर आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं सिनोप्सिस में। नेक्स्ट गाइज, आपके हायरिंग अपॉर्चुनिटी होने वाली है फुल स्टैक डेवलपर इंटर्नशिप की। जो भी स्टूडेंट्स जो इंटर्नशिप सर्च कर रहे हैं, जो आपके 23 ग्रेजुएट हैं, 24 ग्रेजुएट हैं, 25 बैच के स्टूडेंट्स हैं, वो गाइस इसमें अप्लाई कर सकते हैं। काफ़ी अच्छी इंटर्नशिप अपॉर्चुनिटी होने वाली है एज अ फुल स्टैक डेवलपर फ्रॉम एक्सको
कोड टेक्नोलॉजी। दिल्ली आपका जॉब लोकेशन होगा, बट यहाँ पे सबसे बड़ा बेनिफिट है कि जो इंटर्नशिप है वो आपके रिमोट इंटर्नशिप होने वाली है, वर्क फ्रॉम होम आपको इस मिलने वाला है। इसमें आपको जॉब ऑफर भी मिल सकता है आपके परफॉर्मेंस की बेसिस पे, 6 LPA से लेकर 8 LPA तक का, एंड स्टाइपेंड आपको इसमें जो मिलने वाली इंटर्नशिप के टाइम पे वो है 8K से लेकर 10K पर मंथ। आपकी 2 मंथ्स के यहाँ पे इंटर्नशिप अपॉर्चुनिटी होने वाली है। सो अगर आप टेक्निकल फील्ड में कोई भी इंटर्नशिप सर्च कर रहे हैं तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं गाइज। नेक्स्ट हायरिंग आपकी गाइज यहाँ पे होने वाली है 4GB की तरफ से, दे आर हायरिंग फॉर सॉफ्टवेयर इंजीनियर। काफी रिसेंट अपॉर्चुनिटी है एंड बेंगलोर आपका जॉब लोकेशन होने वाला है। इसके एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में हम बात करें तो क्वालिफिकेशन मस्ट है लाइक बैचलर्स इन टेक्नोलॉजी, बैचलर्स ऑफ इंजीनियरिंग, CS IT प्रिफर्ड। तो बेसिकली जो आपके CS and IT ब्रांच के स्टूडेंट्स वो इसमें अप्लाई कर सकते हैं। ग्रेजुएशन आपके पास होना चाहिए एंड एक्सपीरियंस प्रोफेशन विथ मिनिमम ऑफ 6 मंथ एक्सपीरियंस। तो गाइस अगर आपने कोई भी 6 मंथ के लिए इंटर्नशिप कर रखी है, कोई अदर एक्सपीरियंस आपके पास है तो आप डेफिनेटली इसमें अप्लाई कर सकते हैं। एंड हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस इनटू जावा, MySQL, DS एंड QA। सो एक काफ़ी अच्छी जॉब होने वाली है, काफ़ी टेक्निकल है क्योंकि यहाँ पे जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जो कि जावा की नॉलेज होना चाहिए, DSA की थोड़ी सी, MySQL, तो इसमें SQL प्लस जावा की रिक्वायरमेंट यहाँ पे मांगी गई है। तो ऐसे एज अ सॉफ्टवेयर इंजीनियर आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं इफ यू हैव रिलेवेंट एक्सपीरियंस एंड स्किल्स। नेक्स्ट हायरिंग अपॉर्चुनिटी गाइस आपके यहाँ पे होने वाली है सॉफ्टवेयर ट्रेनी फ्रॉम आईब्राउ जॉब्स टेक्नोलॉजी। सो ये आपकी कंपनी होने वाली है आईब्राउ जॉब्स टेक्नोलॉजी। इसमें एज अ सॉफ्टवेयर ट्रेनिंग की ओपनिंग्स है 50 ओपनिंग्स, 5 डेज पहले ही इनकी अभी ओपनिंग हुई है, तो आप देख सकते हैं रिसेंट अपॉर्चुनिटी भी है। एंड हाइब्रिड आपका मोड यहाँ पे होने वाला है एंड जो आपका CTC होगा वो काफ़ी डिसेंट CTC होने वाला है, 5 to 12 LPA। ओके, एंड जॉब लोकेशन के बारे में बात करें तो हैदराबाद, बेंगलोर, मुंबई आपका जॉब लोकेशन होने वाला है। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है गाइस, जो आपका जॉब टाइटल होगा सॉफ्टवेयर ट्रेनी, आप पाइथन की फील्ड में यहाँ पे काम करने वाले हैं क्योंकि यहाँ पे आप देख सकते हैं पाइथन लाइक आपका मेन प्रेफरेंस मांगा गया है यहाँ पे। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, क्वालिफिकेशन आपका जो BTech स्टूडेंट्स हैं, BE, BCA, MCA और एनी डिग्री, यहाँ पे मेंशन भी है कि लाइक एनी ग्रेजुएट और दोज हु आर लुकिंग फॉर non-IT to IT ऑल्सो कैन अप्लाई। सो आपके non-IT ब्रांच के स्टूडेंट्स भी अप्लाई कर सकते हैं, IT स्टूडेंट्स भी अप्लाई कर सकते हैं। एंड यहाँ पे जो क्राइटेरिया है वो नो एक्टिव बैकलॉग, आपके कोई भी बैकलॉग यहाँ पे नहीं होना चाहिए। इफ नो नॉलेज इन सॉफ्टवेयर स्किल्स कैन ऑल्सो अप्लाई, अगर आपके पास कोई भी सॉफ्टवेयर रिलेटेड स्किल्स भी नहीं है गाइस तब भी आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। तो ये काफ़ी अच्छा बेनिफिट आपके लिए होने वाला है। इसमें सारे स्टूडेंट्स अप्लाई कर सकते हैं, BE, BTech, BCA, BSc, MCA कोई भी स्टूडेंट्स में अप्लाई कर सकता है। ओके, सो एज अ सॉफ्टवेयर ट्रेनिंग आप इसमें अप्लाई कर देना, काफ़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी है। एंड नेक्स्ट हायरिंग के बारे में मैं बात करूँ जो कि फ्रंट एंड डेवलपर की गाइस जॉब होने वाली है हेलो HR की तरफ से। आपकी फुल टाइम जॉब गाइस यहाँ पे होने वाली है फ्रंट एंड डेवलपर। सो गाइस अगर आपके पास इसके लिए फ्रंट एंड डेवलपर की जो कि यहाँ पे मैंडेटरी है लाइक React JS, JavaScript और Next.js, सो यहाँ पे जो स्किल्स मैंडेटरी हैं वो स्किल्स अगर आपके पास हैं सो एज अ फ्रंट एंड डेवलपर आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। 4 LPA से लेकर 6 LPA आपका CTC यहाँ पे होने वाला है। जॉब फंक्शंस आप देख सकते हैं किस तरीके से जॉब फंक्शंस होने वाले हैं। एक्सपेक्टेशंस फ्रॉम आवर इंजीनियर्स लाइक आप क्या करने वाले हैं यहाँ पे, क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज आपके वर्क में होने वाले हैं। सो ऐसा फ्रंट एंड डेवलपर आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट हायरिंग अपॉर्चुनिटी फ्रॉम कॉग्निजेंट। कॉग्निजेंट का ही जो जॉब रोल है एसोसिएट प्रोजेक्ट वो काफ़ी टाइम ओपन भी रहता है, अभी फिर से इनकी ओपनिंग हो चुकी है, 20 अक्टूबर को ओपनिंग की थी। बट इस बार जो टेक्नोलॉजी मेन यहाँ पे मांगी गई है एज एसोसिएट प्रोजेक्ट में वो है जावा। तो गाइस अगर आपके पास जावा की नॉलेज है तो यू कैन डेफिनेटली अप्लाई एज अ एसोसिएट इन कॉग्निजेंट, जिसमें आपका जॉब लोकेशन होने वाला है चेन्नई। क्वालिफिकेशन क्या है, ग्रेजुएट इसमें अप्लाई कर सकते हैं और इंजीनियरिंग ग्रेजुएट भी इसमें अप्लाई कर सकते हैं। सो एंड यहाँ पे आप देखेंगे ना स्क्रॉल डाउन करके तो यहाँ पे शिफ्ट आपका डे होने वाला है, फुल टाइम एम्प्लॉयमेंट होने वाला है, बट जो स्किल्स यहाँ पे वो है कोर जावा। सो गाइज अगर आपके पास कोर जावा की अच्छे से नॉलेज है देन यू कैन डेफिनेटली अप्लाई। सो कॉग्निजेंट में भी आप अप्लाई कर सकते हैं, काफ़ी टाइम इनका जो जॉब रूल है वो ओपन रहता है बट अभी फिर से इन्होंने ओपन किया है तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। आई हैव डिस्कस्ड अबाउट मल्टीपल हायरिंग अपॉर्चुनिटी जो कि फ्रेशर्स के लिए काफ़ी अच्छी हायरिंग है। नॉन टेक्निकल भी अप्लाई कर सकते हैं, टेक्निकल स्टूडेंट्स भी अप्लाई कर सकते हैं। सो आई होप यू लाइक द वीडियो एंड आगे की वीडियोज में हम और भी हायरिंग अपॉर्चुनिटीज के बारे में डिस्कस करते रहेंगे। सो डू लाइक द वीडियो, सब्सक्राइब टू आवर चैनल। थैंक यू गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग।